गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 8 गोरिया और चींटी आज हम आधा पढ़े थे, उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, गोरिया ने अपनी राम कहानी सुनाई। इसी बीच उसने देखा कि चींटी की एक फौज पीछे खड़ी है। चींटी ने कहा, बहन दुनिया में रोने धोने से काम नहीं होगा, चलता और न बैठने से होता है, हिम्मत हारने से काम नहीं चलता। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे। चलते चलते चींटी को ने कहा, चलो और देखो कि हम हाथी को कैसे नचाते हैं। तुम उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ जाओ और तमाशा देखो। हाथी बैठा था। चींटी धीरे धीरे सरकते सरकते हाथी के पास पहुंची और उसके कान में घुस गई। हाथी उठकर खड़ा हो गया, उसके कान में चींटी काटने लगी। अब हाथी बेचैन हो इधर उधर भागने लगा। चींटी ने कहा, तुम तुम अपने को बड़ा और बहादुर मानते हो, देखो हम छोटे जीव तुम्हारे क्या हालत करते हैं। चलकर गोरिया का काम करते हो या बुलाओ सखियों को। हाथी लाचार हो बोला, हमको काटो आटे मत कोई, हम बांसबाड़ी उजाड़वे लाई। जब गोरिया ने राम उसकी सब बात, वो कैसे कैसे सबके पास गया अपने चने की दाल लेने के लिए, तो वो बोला सब जो चींटी ने कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है, सबको डराना पड़ता है, ऐसा बोला। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। चलते चलते चींटियों ने हाथी के पास पहुँचे और बोला कि चींटी ने, हम देखो कैसे हाथी को नचाते हैं अभी, वो तुम एक डाल पर बैठ जाओ और तमाशा देखो। हाथी क्या कर रहा था, बैठा हुआ था, तो वो धीरे धीरे सरकते सरकते हाथी के कान पर घुस गया और काटने लगा। हाथी इधर उधर भागने लगा, बेचैन होकर उसके कान पर काटने लगा। तो आगे हाथी इधर उधर भागने लगा बेचैन होकर, तो क्या हुआ, वो इधर उधर जब भागने लगा वो क्या किया, चींटी ने बोला कि तुम बड़े हो लेकिन हम छोटे जीव कैसे तुम्हारी हालत खराब करते हैं। देखो तुम गोरिया जो बोल रहा है वो करते हो, या फिर मेरे सारे साथियों को बुलाकर और भी तुम्हारी हालत बुरी करूं। तो हाथी ने लाचार होकर क्या कहा, हमको काटो आटे मत कोई, हम बांसवाड़ी उजाड़वे लाई। हमको और कोई मत काटो, हम बांसवाड़ी उजाड़ देवे, बोला उसने।